व्हाट डू दे वांट फ्रॉम यू, वो आपसे क्या चाह रहे हैं इस टाइम फ्रेम पे। लेट्स सी, देखते हैं आपके पार्टनर आपसे इस टाइम फ्रेम पे क्या चाहते हैं। ब्लॉक किया हुआ है उन्होंने आपको, ठीक है। वो चाहते हैं यूट्यूब से मैसेज करो वो चाहते हैं कि आप उनको मैसेज करें। ब्लॉक करने के बाद वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनको मनाएं, आप उनको टेक्स्ट करें, आप उनको चेस करें। वो आपसे चाह रहे हैं कि आप उनकी तरफ इमोशनली कप लेकर आएँ, इमोशनली मैसेज लेकर आएँ और उनको बहलाएं, ठीक है। वो ये चाह रहे हैं, बिल्कुल। वो खुद भी इमोशंस लेकर बैठे हुए हैं आपके लिए, इमोशनल हैं वो आपके लिए और इमोशंस रखते हैं। लेकिन आप लोग के बीच कोई फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, एक फ्रस्ट्रेटेड आप लोग के बीच एक होता है आर्ग्यूमेंट, एक होता है फेडअप हो जाना, चीज़ों से फ्रस्ट्रेट हो जाना। तो आप लोग के बीच एक फ्रस्ट्रेशन हो चुकी है। आप इस पैटर्न को इस पर्सन के लिए कर करके थक चुके हैं, ठीक है। आप चाहते हैं आप इस पर्सन में चेंज आए, आप ये सब कुछ कर करके थक चुके हैं। आपके पार्टनर को किसी तरीके की कोई क्लैरिटी मिली है, ठीक है। अपनी गलतियां अंडरस्टैंड कर रहे हैं ये पर्सन, इस तरीके की क्लैरिटी मिली है आपके पर्सन को। ऐसा लग रहा है आपके पर्सन मिस कर रहे हैं और इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं। आपके पर्सन जैसे एक रिग्रेट की एनर्जी में है और ये पर्सन आपकी तरफ मूव नहीं कर पा रहा। तो ये पर्सन सोच रहा है कि आप खुद से आ जाएं इस पर्सन की तरफ, ठीक है। लेकिन इस पर्सन ने कहीं ना कहीं से आपको ब्लॉक जरूर करा हुआ है, स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है। ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं देख रहा है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंड पर्सन है, लेकिन उसको क्लैरिटी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मिल रही है। 2 ऑफ कप्स मिसिंग एनर्जी है, मैंने आपको पहले ही कहा था। मिस कर रहा है ये पर्सन, ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक चाहता है लव, ठीक है। ये आपके साथ अब इस रिश्ते को निभाना चाह रहा है। इस पर्सन को अगर पास में कोई कन्फ्यूजन रही है तो अब क्लैरिटी मिली है, ये इस रिश्ते को आपके लिए निभाना चाह रहा है, ठीक है। लड़ाई झगड़ा हुआ है आप लोगों के बीच, लेकिन जो भी फाइट हुई है उससे क्लैरिटी मिल चुकी है। इस रिलेशनशिप पे एक क्लैरिटी, एक जैसे सन की लाइट आई है। जितने भी इल्यूजन से, जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसके ऊपर एक क्लियर कट एक विजन, एक जैसे जो चीज़ें फोक थी ना, वो ख़त्म हो चुकी है इस रिश्ते की, ठीक है। आर्ग्यूमेंट के बाद सोच रहा है ये पर्सन उन सब चीज़ों को लेकर स्ट्रांगली। ये पर्सन चाह रहा है आप लोग के बीच कुछ स्टेबल और ग्राउंडेड स्टार्ट हो, ठीक है। आपके पर्सन चाहते हैं आप लोग के बीच कुछ स्टेबिलिटी आए, एक बैलेंस आए। बैलेंस वो इस पर्सन ने खुद नहीं निभाया पास में, वो डिफरेंट बातें, लेकिन ये पर्सन एक्सपेक्ट कर रहा है बैलेंस हो रिलेशनशिप में, देखें। किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, इमोशंस रखता है ये। आपको अपने फ्यूचर स्पाउस, एक फ्यूचर पार्टनर की तरह देख रहा है। ये चाहता है आप लोग के बीच बैलेंस हो। होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, आपको भुला नहीं पा रहा, या आपको लेट गो नहीं कर पा रहा। ये आपसे, ये अपने एहसासात को आपसे मतलब कि एक डिफरेंट, अपने आप को कुछ और करने पे मजबूर नहीं कर पा रहा। बहुत कोशिश कर रहा है कि आपकी तरफ से दिमाग और ध्यान हट जाए, ठीक है। ऐसा नहीं कर पा रहा ये पर्सन, चाहकर भी नहीं कर पा रहा। कोई एंडिंग आई है, इस चीज़ का एंडिंग का पेन आपके पर्सन की एनर्जी में ही पेन फील कर रहा है। सक्सेस चाहता है, ठीक है। ये चाहता है इस रिलेशनशिप में एक सक्सेस आए। इस पर्सन का अल्टीमेटली ये जो है, जो पेनफुल एंडिंग आई है, जो क्लैरिटी मिली है, जो एक मतलब कि इस पर्सन को समझ में आ गया बिल्कुल सिमिलर इस पर्सन के जैसे हैं, ठीक है। आप इसी का काउंटर पार्ट हैं, आप इसी का अदर हाफ है। इस एंडिंग से इस पर्सन को बात समझ में आई, लेकिन अभी सक्सेस चाहता है इस रिलेशनशिप में। ये चाहता है आप इस पर्सन की तरफ आए, आप लोग की भी चीज़ें ठीक हों। कोल्ड हो सकता है, इमोशनली होल्ड बैक करने वाला पर्सन हो सकता है। थैंक यू।